अगर आप दान बताओ तो वो घूर कर देख कर चला जाए, यहाँ तक के गधा भी तकलीफ में दो लतियाँ झाड़ दे। मगर बेचारे दफ्तर के मालिक, आप चाहे आंखें दिखाए, ठोकर मारे या दार बताए, उसके माथे पर बल आए वह सबर की मूरत। मगर अफसोस जमीन पर बिखरे जर्रे के भी नसीब चाहते, दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी छाती, बरसात के दिन उस पर भी हरियाली छाती, कुदरत के दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा। मगर अफसोस उसके जीवन सूखा भरा भरा कभी नहीं। लाला फतेह चंद ऐसे ही एक आदमी, कहते हैं आदमी पर उसके नाम का असर पड़ता है, मगर उन्हें फतेह चंद बल के शिकस्त दास कहना ही ज्यादा बेहतर है। पर दफ्तर में शिकस्त, जिंदगी में शिकस्त, दोस्तों में शिकस्त, उनके जिंदगी में चारों तरफ शिकस्तें और मायूसी थी। दिल में हिम्मत न जिगर न सेहत का ये हाल, 30-32 की उम्र में आंखें बेनूर, हाजमा चौपट, रात के 9 बजे दफ्तर, दफ्तर से आते 5:30, चारों के दिन लाला फतेह चंद दफ्तर से आके लेते ही कि दफ्तर का चपरा से आके अच्छा जी, अजीत साहब फतेह चंद जी। कौन है फतेह चंद जी? अरे ऑफिस का चपरासी हूँ, साहब को दफ्तर में बुलाया है। क्या काम है? अभी तो आए नहीं, फिर बुलावा आ गया। अरे बड़े साहब ने बोला उन्हें फौरन बुला लाओ, कुछ जरूरी काम है। क्या बात है, कौन बुला रहा है? कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। दफ्तर का चपरासी है कि साहब ने बुलाया है? हाँ कहता है साहब बुला रहे। कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है। सुबह के गए अभी तो मकान को लौटे हो, पर फिर बुलावा आ गया। जरा सुन लो किससे बुलाया है। मैंने दफ्तर का सारा काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। ओहो जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बात करने लगोगे तो घर आने की भी याद न रहेगी। ये लो थोड़ी दाल मूट है, खा लो। लड़के को दे दिया? हाँ हाँ दे दिया, तुम तो खाओ। नहीं नहीं, अरे चीनी बेटा सुनो तो। अरे चीनी बेटा, तू क्या सर पर आटा सवार हो गई, चल जा भाई ऐसे। क्यों भगा दिया बेचारी को, दो चार दाने दे देता तो खुश हो जाती। इसमें है ही कितना जो सबको देते फिरोगे, उसे दे देते बाकी दोनों भी आ जाती, किस किस को देते। अरे साहब, अरे देर हो रही, जल्दी कीजिए। तो नहीं आओगे? ऐसे कैसे कह दूं भाई, रोजी का वास्ता है। तो क्या प्राण देके काम करोगे, सूरत देखी अपनी, मालूम होता है 6 महीने की मरीज हो। साहब अरे देर हो रही है। हाँ भाई आया। अजी अजी सुनो तो, जल्दी चलिए देर हो रही है। अगर लपक के भी चलिए हुजूर, वैसे तो इतना देर लगाते, जल्दी चलिए जल्दी चलिए, वरना जाते ही डांट पड़ेगी। भाई चलेंगे तो आदमी की तरह, चाहे डांट बटाए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता। साहब बंगले पर ही है ना? अरे साहब वो भला दफ्तर क्यों आने लगे, जल्दी कीजिए साहब। अरे बादशाह हैं या कोई दिल लगी, अब जल्दी भी दौड़िए, देर हो रही है इतना, जल्दी कीजिए साहब। इधर कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो चला आ रहा था, वो आवे तब ना। अब क्या बोला तुमको? यार हैं घंटे भर से तो घर से निकले। सलाम साहब। अब तो कहाँ जा रहे हो? हुजूर दफ्तर से आया हूँ, जो ही चपरासी ने आवाज दी हाजिर हो गया। झूठ बोलते हो तुम, ऐन घंटे भर से खड़ा है, तुम झूठ बोलते हो। हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे दफ्तर से आने में देर हुई मगर घर से निकलते समय बिल्कुल देर ना हुई। चुप रहो सुअर, ऐन घंटे भर से खड़ा है, तुम अपने खाने पर करो। हुजूर मेरा कसूर क्या है? सुन सुना है एम चुन को बोलता है तुम अपने काम ना करो। मुझे 10 साल काम करते हो गए मगर आज तक किसी ने चुप रहो सुअर,
तुमको सुनाई नहीं देता? हम कह रहे तुम अपने काम पर करो। हुजूर मेरा कसूर क्या है? चपरासी इसका काम पर करो तुम। ये क्या करे हुजूर? अरे ये हमारे अफसर हैं, मैं भला इनका कान कैसे पकड़ सकता हूँ? तुम इसका कान नहीं पकड़ेगा तो हम तुमको हैंड से मारेगा। साहब, अरे साहब मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं आया। अरे मैं भी एक इंसान हूँ साहब। अरे आप बोले तो बाहर बजाऊ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं उतार सकता साहब। तुम किधर जाता है? तुमने सुना नहीं, मैं तो फाइल बन जाए। कौन सा फाइल लाओ सर? वही फाइल जो हम मांगते हैं, वही फाइल लाओ। आप कौन सा फाइल मांगते हैं? तुम सुनाई नहीं देता? हम तुमको बोलते हैं अपना फाइल लाओ, फाइल 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 लाओ। कौन सा फाइल लाओ? वही फाइल जो हम मांगते हैं। अगर तुम नहीं लाएगा तो हम तुमको जान से मार देंगे। मुझसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो तुम बहुत सुस्त हो गया है, लेकिन हम तुमको डोला सिखाएगा। बाबा जाओ, हम ही जाओ। पते चल कि बाबू मेरे पर भी इंसान है, अगर उनमें ताकत होती तो उस पर जरूर हमला करता, अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला। मगर उस दिन मार खाना ही उनके तकदीर में लिखा था। वो बेताशा भाग पर दफ्तर जाकर करते क्या? साहब ने तो फाइल का नाम बताया ही नहीं, शायद नशे में भूल गए। उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा था, वो कमजोर थे, मगर क्या उनके पैरों में चप्पल ना थी? चप्पल तो थी, फिर भी उन्होंने जिल्लत क्यों बर्दाश्त की? अगर चारा ही क्या, अगर साहब गुस्से में आकर उन्हें गोली मार देते तो क्या? उन्हें 2 महीने की कैद हो जाती, 2-400 का जुर्माना हो जाता, अगर उनका खानदान झमटी में मिल जाता। आज मुझे अपने शरीर की कमजोरी पर अफसोस हो रहा है। अगर शुरू से कुछ वर्जिश करता या लकड़ी चलाना जानता होता तो क्या उस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि मेरे कान उखड़वाता? अरे उसकी तरह आंखें निकलवा लेता। मुझे घर से चलते समय कम से कम एक छुरी रखनी चाहिए थी। मुझे अपने आप पर झुंझलाहट सी हो रही है। अरे उसने 2-4 थप्पड़ ही मार दिया होता तो बहुत बहुत क्या होता? हाँ उसके आदमी मुझे मारते ना, बस इतना ही ना। किसने बुलाया था? बड़ी देर हो गई। कुछ नहीं, नशे की सड़क थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगा हुआ था। देर क्यों की, देर क्यों की, देर क्यों की। चपरासी से मेरे कान पकड़ने को कहा। तुमने जूते उतार के दिए नहीं उस सुअर को? यूं तो कहो चपरासी बहुत शरीफ था, उसे साफ मना कर दिया। हुजूर मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, किसी की इज्जत उतारने नहीं। उसी वक्त सलाम करके चला गया। ये है दिलेरी, तुमने सांप को फटकारा क्यों नहीं? फटकारा फटकारा क्यों नहीं? मैंने भी खूब सुनाई, वो छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी अपना चप्पल संभाला। उसने 2-3 छड़ी जमाई, मैंने तो ले चप्पल करके कई चप्पल जड़ दिया। सच? इतना सब हो गया होगा उसका? चेहरे पर झाड़ू सी फिर हुई थी। बड़ा अच्छा किया तुमने, मैं होती ना बगैर जान लिए ना छोड़ती। अब देखो मार के तो आया हूँ, लेकिन अब खैरियत नहीं, नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। सजा क्यों काटनी पड़ेगी? भला कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने तुम्हें गालियां क्यों दी, छड़ी क्यों जमाई? अब उसके सामने मेरी कौन सुनेगा, अदालत भी उसकी तरफ हो जाएगी। हो जाएगी तो हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की जरूरत न होगी किसी बाबू को डांटने की। तुम्हें चाहिए था जो ही उसके मुंह से गाली निकली लपक कर एक जूते रसीद कर देते, तो फिर उस वक्त जिंदा लौट कर ना आता। देखी जाती। फिर तुम लोग कहाँ जाती? ज-
जहाँ ईश्वर की मर्जी होती इस आदमी के लिए सबसे बड़ी इज्जत होती है। इज्जत गवा कर बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आए हो, उसे फूली नहीं समा रही। अगर तुम उसे मार खा के आते, भले ही मैं अपने मुंह से कुछ न कहती, मगर मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए इज्जत है वह हमेशा के लिए चली जाओ। अब जो भी मुसीबत आएगी सर पे, अजी सुनो तो, फाइल मांगी थी, वही फाइल लाया। खाना खा लो तो दिखाओ, इत्मीनान दिखाओ, शायद ये तुम्हारा आखिरी खाना हो। हम समझ गया कि आप हमसे क्यों नाराज हैं। क्या हमने आपको कुछ कहा है जो हमसे नाराज हैं? अभी कुछ देर पहले मेरे कान पकड़े और मुझे सैकड़ों बार ओल फोल बका। क्या इतनी जल्दी भूल गए? मैं आपका खान फेंका। मैंने आपका खान फेंका। क्या मैं पागल हूं? मैं दीवाना हूं। ठीक है, झूठ बोलो। चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। क्या इतनी जल्दी भूल गए? तुम कब का बात चल रहा है? अभी अभी कोई आधे घंटे पहले की बात है। तुमने मुझे बुलाया, मेरे कान पकड़े, जलील किया और मुझे धक्के दिए। बाबूजी उस वक्त हम नशे में था, मैंने हमको कुछ ज्यादा दे दिया था। क्या हुआ, कैसे हुआ, हमको कुछ पता नहीं। ओह माय गॉड, हमको कुछ पता नहीं, कैसे हुआ। अच्छा, नशे में अगर तुमने मुझे गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? और नशे में सब कुछ माफी के काबिल है तो मैं भी नशे में हूँ। तो मेरा पैसा चार पकड़ो और कहो कभी किसी भले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। चार पकड़ो और कहो नहीं। अगर तुमने जगह छोड़ी और मैंने अपना डंडा चलाया, अगर तुम्हारी कॉपी फूट जाएगी आपको कुछ कहा है जो हम आपसे माफी। मैं तुमसे आज कान पकड़ना बगैर ना जाऊंगा। हम तुमको बर्खास्त करेगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन मैं तुमसे आज कान पकड़ना बगैर ना जाऊंगा। छुम इसको ढूंढ रखो, कान पकड़ो या मैं पकड़ लूं। हम तो कान पकड़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। अब कान पकड़ कर वादा करो कि किसी भले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। हाँ, अगर कभी किया तो समझ लेना। तुम कितना मारोगे मैं? इतने को मारा कछु? तो समझ लेना, मैं बहुत दूर नहीं रहता हूँ, समझे? हाँ, और सुनो, आज से मेरा इस्तीफा है और इस्तीफा में लिख कर भेज दूंगा। क्या इस्तीफा इसलिए देता है कि हम तुम जैसे पाजी के हाथ के नीचे काम नहीं करेगा, समझा? तुम इस बूढ़ा को मैं कितना मार डालेगा आपको? तुम वेल वेल बाबूजी, तुम इस्तीफा क्यों देता है? आपने उनको बर्खास्त नहीं करा है? तुम हमको बर्खास्त करो या ना करो, लेकिन हम तुम जैसे पाजी के हाथ के नीचे काम नहीं करेगा, समझा? मैं तुम गए यहां से। Yep. Well, can I pack it up? Can I pack it up?